हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस किचन। आज की रेसिपी है खट्टा मीठा नींबू का अचार। सर्दियों का सीज़न है और अचार के नींबू मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग सा अचार है। पूरे साल, 2 साल आप इसे रख के खा सकते हैं। ज़ीरो ऑयल पिकल ये होता है और बहुत टेस्टी बनता है, खट्टा मीठा चटपटा। तो अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए आप नींबू ले लें, बड़े बड़े एकदम, थोड़े पतले छिलके वाले ये होते हैं नींबू, आसानी से मार्केट में अभी मिल रहे हैं। ये आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और मसाले इसके समझ लेते हैं। काली मिर्च 1.5 टीस्पून, लौंग ली है मैंने 7 से 8 लौंग, अजवाइन ली है 1 से 1.5 चम्मच, हींग थोड़ी सी डालूंगी इसमें, और ये देगी मिर्च कलर वाली ली है, क्योंकि अचार को मुझे तीखा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो तीखी वाली मिर्च ले सकती है। नमक लिया है मैंने, और इसके साथ ही जितना नमक उतनी चीनी ली है, 1/2 कप नमक और 1/2 कप चीनी मैंने ली है। तो नमक इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और ये अचार जो है नमक से ही गलता है। शुरू करते हैं इसको बनाना। पहला काम जो करना है, मिक्सी के जार में सारे जो होल स्पाइसेस थे, पूरे जो मसाले, वो एक बार पीस लेने हैं। काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और अजवाइन, इन सारी चीज़ों को एक बार ब्लेंडर में करके, और इसी के साथ इसमें चीनी जो ली थी चीनी भी डाल देती हूँ मैं, और इसको अब पीस लेना है। ये जो नींबू का अचार है, खट्टा मीठा चटपटा, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे पास पहले से बना रखा है, मैं आपके साथ पिक्स भी आगे शेयर करूँगी। तो ये मसाला मैं पीस के ले आई हूँ, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ इसमें नहीं भी पिसा है तो भी कोई इशू नहीं, अचार में सब कुछ वो गल जाता है धूप में जब इसको आगे रखेंगे तो। अब इसमें जो नमक था, नमक इसमें काफ़ी मात्रा में पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जो नींबू का अचार है वो नमक से ही गलता है। और ये देगी मिर्च, इससे अचार का कलर बहुत ही सुंदर आ जाता है, रेड रेड। इसको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं, मिर्च, नमक, चीनी, सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये नींबू की अचार की रेसिपी मेरी मदर की रेसिपी है, मैं हमेशा से उन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ ये बनाते हुए, और आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। इंस्टेंट अचार मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये इंस्टेंट नहीं है, इसे पकने में टाइम लगता है। थोड़ी सी हींग इसमें मैं डालूंगी अचार में, 1/2 टीस्पून के करीब हींग। इस अचार को पकने में 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा। बना के आप इसे धूप में रख दें, इसे सर्दियों की धूप लगने दें, और जो चीज़ बन के आती है वो बहुत ही बेहतरीन अचार बनता है। तो अब देखते हैं इस नींबू को कट कैसे करना है। इसमें 20 से स्लिट लगाएंगे और इस तरीके से 4 फाँक में इसे कट कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि नींबू जो है पूरा ना कटे। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और, इस तरीके से बहुत ही ध्यान से, ये देखिए इस तरीके से कट लगाया है मैंने नींबू में। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे लेते हुए 4 फाँक में। और अब क्या करना है, जो मसाला बना के रखा था उसको इस नींबू में अच्छे से भर देना है। तो चीनी मैंने इसमें पीस के लिए, आप चाहें तो क्रिस्टल शुगर भी ले सकते हैं, ऐसे भी चीनी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ सब कुछ इसमें मिक्स हो जाता है, सब कुछ गल जाता है बहुत ही अच्छे से। तो ये इसको अच्छे से दबा दबा के इसमें सारे नींबुओं को भर देना है। ये देखिए मैं भरती जा रही हूँ इसको अच्छे से, मसाला इसके अंदर हाथ से दबा दबा के इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए, और ये सारे नींबू मैंने भर के रेडी कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ मसाला था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इस मसाले में ही अचार गलेगा। और इसमें डाल देना है 1 नींबू का रस, ये सादे वाले जो नींबू आते हैं उसी नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ, अचार वाला नींबू ये नहीं है, तो कैसे भी आप डाल सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, ये रफ़ एंड टफ़ अचार होता है, जैसे और अचार बहुत ज़्यादा
सफाई मांगते हैं या धूप मांगते हैं कि उनको रोज धूप दिखाने जरूरी है, नींबू के अचार के साथ वो किस्सा नहीं है। कभी आप धूप दिखाएं कभी नहीं दिखाएं चलेगा, रफ एंड टफ अचार है, टाइम के साथ अपने आप ही गल जाएगा और आप इसे साल, दो साल, तीन साल, चार साल, जितना भी आपने अचार डाला है आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये देखिए मेरे पास पहले से बना हुआ अचार रखा है। ये नींबू का खट्टा अचार है, इसमें चीनी नहीं है। और ये देखिए गलने के बाद इस तरीके से हो जाता है जूसी एकदम, देखिए क्या लाजवाब, दिखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। आप दाल राइस के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ इसे एंजॉय करें। और ये मेरा खट्टा मीठा अचार बन के रेडी है, इसे भी मैं 20-25 दिन बाद एंजॉय करूंगी और आपको भी ऐसे ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आप ज़रूर बनाएं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव ए गुड डे।